गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 5। आज हम चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 69 से स्टार्ट करेंगे। 68 तक का कल सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया था, अब हम पेज नंबर 69 पर आ चुके हैं। तो 69 पर आप देख सकते हैं क्या है, कीर्तिज़ शॉपिंग लिस्ट आपको दी हुई है, कीर्तिज़ शॉपिंग लिस्ट। अगर आप यहाँ ये आपको दिखाई दे रही है जो गर्ल है, जो इधर जिसने थैला पकड़ रखा है वो कीर्ति है, और इधर एक वेजिटेबल शॉप आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर में। तो इस पर प्राइस लिस्ट लटकी हुई आपको दिखाई दे रही है, हैंग टोमेटोज़ के जो रेट हैं ऊपर लिखा हुआ, एक तरफ आइटम है और एक तरफ लिखा है प्राइस इन रुपीज़। देखो इसको मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से सब लोग देख लेंगे। ये यहाँ आइटम है और यहाँ लिखा है प्राइस इन रुपीज़ पर केजी, यानी पर किलोग्राम। तो टोमेटोज़ का अगर हम देखें तो 12 किलोग्राम पर रुपीज़ हैं, यानी कि आपके 12 रुपीज़ के एक किलोग्राम आपके टोमेटो आएंगे। पोटैटो आपके 10 रुपीज़ पर किलोग्राम है, और ओनियन 16 रुपीज़ पर किलोग्राम है, कैरेट जो है 18 है, और गॉर्ड जो है वो 8 है। तो 5 वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे, और सबके पर किलोग्राम आपको रेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब इधर देखते हैं क्या है कीर्ति शॉपिंग लिस्ट। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट, इन्होंने सबसे पहले ये कह रखा है कि येलो प्राइस लिस्ट को देखना है, जो हमने पहले ही देख लिया है ना। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच, ए वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मच डज 2 किलोग्राम ऑफ टोमेटो कॉस्ट। आपको ये बताना है कि 2 किलोग्राम टोमेटो का कॉस्ट कितना होगा। अब आप देखिए 1 किलोग्राम टोमेटो का जो कॉस्ट है इस लिस्ट में कितना है, 12 है नहीं है। तो जब 1 किलोग्राम का 12 है तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, इसके लिए हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसका डबल भी कर सकते हैं, बात वही है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 12 की अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आपको एक तरीके से 12 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है, या लिख कर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 × 2 = 24 होते हैं, तो 24 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बी वाला क्वेश्चन देखें, हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। अब आपको बताना है कि 1/2 kg टोमेटो का कॉस्ट कितना होगा। तो 1 kg टोमेटो का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ये सब 1 kg की दिए हुए हैं इसमें जो रेट हैं। तो टोमेटो के अगर हम देखें तो टोमेटो का भी रेट है कितना, 12 है इस लिस्ट में, है ना। तो 1 kg का अभी हमें टोमेटो का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था, तो उसमें 2 kg टोमेटो का पूछा था, 1 kg का 12 था, तो 2 kg का हमने डबल कर दिया था। अब 1 kg का 12 तो है ही, लेकिन अब हमें 1/2 kg का बताना है, यानी इसका हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो है 12 को कुल मिला के 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, और जब आप डिवाइड करेंगे 12 को 2 से तो 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 6 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद है किरण वांट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटो, तो हाउ मच विल इट कॉस्ट। अब किरण जो है वो 2.5 किलोग्राम 2.5 kg टोमेटो ख़रीदना चाहती है, तो अब आपको बताना है कि उसे इसके लिए कितना कॉस्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, मैं आपको खुद ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं जो कॉस्ट है टोमेटो का, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो वो कितना है, 12 रुपीज़ था। तो जब 1 kg का 12 रुपीज़ है तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 2 = कितने हो जाएंगे, 24, भाई 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, ऐसे भी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई ऐसे लिख के 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2, तब भी 24 आ गया। अजय अभी हमने 1/2 kg का भी निकाला था, 1/2 kg टोमेटो का कितना आया था, कॉस्ट ऑफ 1/2 kg टोमेटो। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आपका ए क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये बी क्वेश्चन का, क्योंकि ए वाले में 2 kg टोमेटो का कॉस्ट पूछा था। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 2 kg टोमेटो, ठीक है। तो ये आपका 2 kg का आ गया, एक आंसर आपका ये हो गया। फिर बी वाले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1/2 kg टोमेटो पहुँचा था, तो हाफ के लिए आपको 12 का हाफ करना पड़ेगा, 12 का हाफ 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 होते हैं, और 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 रुपीज़ हो गया इसका, ठीक। अब सी जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है, किरण जो है वो 2.5 kg मांग रही है, यानी तो हम कॉस्ट ऑफ
2.5 kg टोमेटो। भाई आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 2 kg का कितना निकाला, 24, ठीक। और सेकंड क्वेश्चन में 1/2 kg का कितना निकाला, 6। भाई कोई 2 किलोग्राम अगर टोमेटो खरीदता है तो उसे 24 रुपये, 24 रुपीज़ देने पड़ते हैं। आधा किलोग्राम खरीदता है तो उसे 6 रुपये देने पड़ते हैं। किरण जो है 2 और आधा मिला के खरीदना चाह रही है, यानी 2.5 किलोग्राम। तो सीधी सी बात है कि 2 किलोग्राम के जो टोमेटो जितने रुपये के, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 24 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 4 और 6 आपके 10 हो गए, 10 का 0, कैरी फॉरवर्ड आपका 1 आ गया, और 1 और 2 कितने हो गए, 3, यानी 30 रुपीज़ इसका कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो अब आपके मैंने तीनों क्वेश्चन इसमें समझा दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी तक के मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट, यानी अब इसमें 3.5 kg पोटैटो का कॉस्ट बताना है हमें। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ 3.5 kg पोटैटोज, लेकिन उसके लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kg पोटैटो का कॉस्ट कितना था, तो वो हमें लिस्ट फिर से देखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले वो लिस्ट देखते हैं फिर से एक बार। तो देखिए इसमें लिस्ट देखिए, येलो वाली जो लिस्ट थी, पोटैटो का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 10 रुपीज़ पर kg दिया हुआ है, है ना। इसका मतलब 1 किलोग्राम अगर आप पोटैटो ख़रीदने जाते हो तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, और हमें ख़रीदने हैं 3.5 kg, यानी कि 3 किलोग्राम और आधा किलोग्राम मिला के। तो 1 किलोग्राम के कितने रुपीज़ हैं पोटैटो के, इसमें लिस्ट में 10 रुपीज़, तो 3 के कितने हो जाएंगे, इसके लिए पहले 3 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 10 जा 30 हो जाएंगे। फिर 1/2 kg के और निकाल लो, भाई 1 kg के 10 है तो 1/2 kg के कितने हो जाएंगे, इसके हाफ हो जाएंगे, 10 के हाफ़, यानी 5 रुपीज़। तो देखिए 3 kg के अभी हमने 30 निकाले और 1/2 kg के 5, तो 30 और प्लस 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया टोटल, 35। बस इसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ई, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। जो क्वेश्चन ई है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। तो इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे आप कैरेट का रेट देखिए पहले तो कितना है पर केजी, 18 है इस येलो लिस्ट में, कितना है 18। तो अब हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट, ठीक है, ये हमें पता लगाना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो पहले तो नोट करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट। 1 kg का हमने अभी येलो लिस्ट में देखा 18 रुपीज़ था, तो वो हमने नोट कर लिया 1 kg का। अब हमें 1/4 का और निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। अब 1/4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 में 1/4 पार्ट से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे हम किसी का पार्ट निकालते हैं तो वैसे ही। तो पहले 18 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 हो गया अपॉन में 4 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करो या 4 से डायरेक्ट डिवाइडेशन ही कर देते हैं। देखिए डिवाइडेशन कैसे करेंगे, 4 से 18 का, 4 के टेबल में 18 तो आता नहीं है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और 4 5 जा 20 ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए 4 4 जा 16 हम यहाँ पढ़ेंगे। 18 में से 16 में को माइनस करेंगे तो 2 आपका बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे पॉइंट और एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, पॉइंट लगाने से एक ज़ीरो बढ़ता है वन टाइम। अब 4 का टेबल 20 में हम पढ़ते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 20 आ गया और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आया डिवाइड करने पे, ये 4 से 18 को जब हमने डिवाइड करा तो 4.5 रुपीज़ आया, इसका मतलब हो गया कि 4.5 रुपये, है ना, 4.5 रुपीज़। तो देखिए 1 kg कैरेट का जो कॉस्ट था वो 18 था,
अब 1/4 का कितना आया, 4.5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ 1 1/4 के जी ऑफ कैरेट इक्वल्स टू 18 + 4.5। तो इसको देखिए कैसे ऐड करेंगे, पॉइंट 18 और 4.5 को, 18 तो बिना पॉइंट वाला नंबर है जबकि ये पॉइंट वाला है, तो इसको हम इसके नीचे ऐसे लिखेंगे 4.5। यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर को हटा कर लिखते हैं। एक्चुअल में जिस नंबर में पॉइंट डेसिमल नहीं होता है, आपको ये लग रहा होगा जी 18 है इसमें कहीं आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस नंबर में डेसिमल दिखाई नहीं देता उसमें भी डेसिमल होता है, लेकिन कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है, पर वो लगाते नहीं क्योंकि उसके बाद कोई और नंबर नहीं है। और क्यों नहीं यहाँ पे नंबर, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे इस समय ज़ीरो छुपा हुआ होगा, इसीलिए नहीं लगा। 18 को हम 18.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 18.0 लिखा होगा तब भी उसका मतलब 18 है, और खाली जब ये 18 लिखा था तब भी उसका मतलब 18 था, यानी 18 को हम 18.0 भी लिख सकते हैं। अब इनको जब भी हम पॉइंट वाले नंबर ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इसीलिए मैंने 4.5 को ऐसे नोट कराया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, 4 इधर आ गया 8 के नीचे और 5 इधर 0 के नीचे आ गया। अब जब इनको ऐड करेंगे तो 0 और 5 5, डेसिमल का डेसिमल पॉइंट ऐसे ही आ गया आपका, 8 और 4 12 हो गया, 12 का 2 कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया, और 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 22.5 रुपीज़ इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बॉट अ गॉर्ड ऑफ वेट 3 1/4 के जी एंड इट कॉट्स, यानी कि जो उसने ख़रीदा वो एक गॉर्ड जो ख़रीदी वो 4 3 1/4 kg इतनी ख़रीदी, तो अब आपको बताना है कि इसका कॉस्ट कितना होगा। तो इसका भी हम ऐसे निकालेंगे, पहले 4 kg का निकालेंगे, फिर 3/4 का अलग निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 kg गॉड का कॉस्ट कितना है। तो येलो लिस्ट में देखते हैं, येलो लिस्ट में देखिए आप सबसे लास्ट में गॉड का 8 rupees दिया हुआ है, तो अब देखो इसका पहले 1 यानी कि इसका हमें 4 3 1/4 पार्ट का निकालना है, तो पहले 1 kg का तो 8 है, तो 4 kg का कितना हो जाएगा, इसके लिए 4 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 3/4 का और निकालेंगे और जो भी आएगा दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, पहले नोट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg गॉर्ड, वो कितना है 8 rupees, तो 4 kg का कितना हो जाएगा, या मैं ऐसे ही लगा देता हूँ कॉस्ट ऑफ 4 kg गॉर्ड, तो 8 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 4 = 32 होते हैं, तो 34 2 rupees, तो इतना आ गया। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ 3 1/4 kg का अलग निकालते हैं, ओनली 3 1/4 पार्ट, तो इसके लिए हमें 8 rupees में 3 1/4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम, पहले 4 से कैंसिल कर देते हैं, जैसे 4 1 = 4 के टेबल में 8 आता है ना, तो 4 2 = 8 ये कैंसिल हो गया आसानी, तो इसलिए मैंने कर दिया। अब बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 = 6, पहले आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे बाद में भी डिवाइड कर सकते थे, मैंने पहले डिवाइड कर दिया, अब बाद में मल्टीप्लाई, अभी अपॉन में 1 रह गया, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 rupees ये आ गया, यानी कि 4 kg का जब हमने निकाला तो 30 rupees आया, 3 1/4 kg का निकाला तो 6 rupees आया। अब इन दोनों का मिला के बताना था हमें, तो कॉस्ट ऑफ 4 3 1/4 kg ऑफ गॉड इक्वल्स टू, इसके लिए हम 32 और प्लस ये 6 दोनों को ऐड कर देंगे, तो 38 rupees इसका आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी वाला जो क्वेश्चन है, लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड, हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दिस, यानी कि आपको एक शॉपिंग लिस्ट दी हुई है, ये आइटम लिखे हुए हैं और प्राइस इन रेट्स पर किलोग्राम और अमाउंट, तो ये कह रहे हैं कि लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड, अच्छा ये है, ये जो हैंड सा बना हुआ है ना, ये वाला जो हैंड जो बना हुआ है ये है, इसमें आप देखिए शॉपिंग लिस्ट है, इसमें पटेटो जो उसने ख़रीदे हैं वो 2 1/4 kg खरीदे हैं, कैरेट जो है 3 3 1/4 kg और गॉर्ड 1 1/2 kg, तो इतनी इतनी सब्जी खरीदी है, तो इन सब्जियों का टोटल कॉस्ट कितना होगा वो हमें बताना है। तो ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसको पहले नोट कर लेते हैं जो जो उसने सामान ख़रीदा, फिर सबके तीनों के अलग अलग रेट निकालेंगे और उसके बाद जो है
तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। देखिए मैंने कीर्ति की लिस्ट नोट कर ली है यहाँ पे, तो पटेटो उसने ख़रीदा 2 1/4 kg, कैरेट 3 3/4 kg और कॉर्ड जो है 1 1/2 kg। और ये मैंने लिस्ट यहाँ भी नोट कर ली, बार बार हमें देखना पड़ रहा था उसे। जो टोमेटो हैं वो पर केजी 12 रुपीज़ हैं, पटेटो के 10 रुपीज़ हैं, ओनियन के 16 हैं, कैरेट के 18 हैं, गॉर्ड के 8 रुपीज़ हैं पर केजी। इनके रुपीज़ भी नोट कर लिए। अब हम यहीं से देख के इनको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले पटेटो का देखते हैं। देखिए पटेटो कॉस्ट ऑफ 2 kg पटेटो निकालते हैं, 1 kg पटेटो के कितने हैं 10, तो 10 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो गए। अब कॉस्ट ऑफ 1/4, क्योंकि पटेटो 1/4 भी खरीदे हैं ना उन्होंने, तो 1/4 kg पटेटो के और निकालते हैं। तो 10 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 10/4 आ गया। अब 4 से हमें 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ हम अलग कर लेते हैं। देखिए 4 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, यहाँ पे 2 बचा। अब 2 तो आता नहीं है 4 के टेबल में, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 4 5 20, ये पूरा कैंसिल हो गया, 2.5 आ गया। तो यहाँ पे 2.5 हो गया। तो जो कॉस्ट ऑफ 2 1/4 kg ऑफ पोटैटो वो हो जाएगा आपका 20 + 2.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 22.5 रुपीस आ जाएगा। इसको वैसे ही ऐड करेंगे जैसे मैंने पॉइंट वाले बताए थे। ये तो पोटैटो का हो गया। अब कैरेट का निकालते हैं। कैरेट सॉरी कॉस्ट ऑफ 3 kg कैरेट, देखिए 1 kg कैरेट का कितना है, क्योंकि यहाँ पे 3 × 3 4 kg का निकालना है ना हमें कैरेट का, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पहले 3 kg का कैरेट का देखते हैं कितना है। वो 1 kg का कितना है, 18 है, 1 kg का 18, तो 18 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 kg का निकालना है। तो 3 8 से आपके होते हैं 24 का 4 आ गया कैरी 2, 3 1 3 2 5, 54 रुपीज़ हो गए। अब 3/4 पार्ट और निकाल लेते हैं इसका, 3/4 kg, तो 18 में 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 18 3 जा कितने हो जाएंगे 54 और अपॉन में 4 है। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 1 जा 4, 5 में से ऊपर के 1, ऊपर से कैरी 4 आ गया, फिर 4 2 जा 12, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 बढ़ाएंगे और 4 5 जा 20, तो ये भी पूरा कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया 12.5 रुपीज़। अब इन दोनों को ऐड कर लेगा इसका 54 और 12.5, यहाँ भी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं जैसे पहले बढ़ाया था और ऐड कर लेते हैं 0.55, पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा 4 2 6, 5 1 6, 66.5 रुपीज़ आ गए। अच्छा अभी तीसरी चीज़ और है उसकी, गॉर्ड 1 1/2, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg गॉर्ड कितना है, गॉर्ड का 8 है, तो 1 kg गॉर्ड का कितना हो गया 8 रुपीज़, और हमें लेना कितना है 1 1/2, तो हाफ़ का और नोट कर लेते हैं। 1/2 kg कॉस्ट ऑफ 1/2 kg गॉर्ड, तो हाफ का कितना हो जाएगा, 8 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 8 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 8/2, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 1 से 4 को डिवाइड करा 4 आ गया। तो जो टोटल कॉस्ट हो गया इसका वो 8 और 4 को ऐड कर देंगे तो 12 हो गया। ठीक है, तो इसने जो 3 चीज़ें खरीदी थी हमने सबके रेट निकाल लिए। जो फर्स्ट जो आया उसने 2 1/4 पार्ट ऑफ पोटैटो ख़रीदा उसका 22.5 आया, फिर जो उसने ख़रीदा कॉस्ट ऑफ जो टोटल 3 3/4 ख़रीदा था ये वाला 3 3/4 कैरेट उसका जो आया ये आया 66.5, और लास्ट में जो गॉर्ड ख़रीदा उसका 12। तो इनका हमें सबको ऐड करना है, टोटल लिस्ट बतानी है, टोटल प्राइस उसका बताना है कितना हुआ। तो इसके लिए तीनों को ऐड करेंगे, पहला नंबर जो है 22.5, सेकेंड था आपका 66.5 और थर्ड है
इनको ऐड कर लेंगे। तो क्योंकि मैंने बताया जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें लास्ट में होता है, तो मैंने 12 को इसीलिए इधर लिखा है ताकि पॉइंट के नीचे पॉइंट है। यहाँ ज़ीरो बढ़ा लेंगे, 5 5 10 10 का ज़ीरो, पॉइंट ऐसे ही लगा देंगे। कैरी वन आ गया 1 और 2 3 3 और 6 9 9 और 2 11 का 1, फिर कैरी वन आ गया 1 और 2 3 3 और 6 9 9 और 1 10, तो यानी 101.0 यानी कि 101 रुपीस आप इसे पढ़ सकते हैं। ये इसका टोटल आंसर हो गया। ओके, अब इसमें देखिए जी, जी वाला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन इतना लंबा हुआ, जो हमने ये कीर्ति की पूरी लिस्ट बनाई उसका पूरा 101 रुपीस की सब्जी आई, ये जो इसने हैंड में जो लिस्ट बना रखी थी उसकी जो हमने निकाली। अब क्या है कि ये जो एच वाला क्वेश्चन है, मेक अ बिल ऑफ योर ऑन फॉर वेजिटेबल्स यू वांट टू बाय, फाइंड द टोटल मनी यू विल हैव टू पे। इसमें इन्होंने कहा है कि आप भी अगर कोई सब्ज़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसका अपना खुद का एक बिल बनाइए और फिर फाइंड द टोटल मनी यू हैव टू पे, और फिर आप पता लगाइए कि आपको कितना रुपये इसका पे करना पड़ा। मतलब आप भी अपने हिसाब से कोई सोच सकते हैं कि आपने ये चीज़ इतनी खरीदी, इतने केजी खरीदी, टमाटो 2 केजी खरीदे या पटेटो इतने खरीदे, और फिर सबका कॉस्ट निकालिए अलग अलग, फिर सबको ऐड कीजिए तो टोटल कितना बिल आएगा। ये आप घर में भी इस येलो लिस्ट का यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये एच वाला जो क्वेश्चन है ये आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना है, ये आपने रफली ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो है बस आपको जी तक के क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में समझा दिया है। और अभी मैं जो है इनकी फ़ोटो भी आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगा, जिससे आपको ये रहेगा कि आप आसानी से उसमें नोट कर सकते हैं जी तक के क्वेश्चनों की। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।